जनपद रुद्रप्रयाग के विकास भवन सभाघर में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने स्वास्थ्य विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने जनपद के 53 नवनियुक्त नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार का विशेष उद्देश्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करना, जिससे कि आम जनमानस को उचित स्वास्थ्य लाभ उपलब्ध हो सके। वहीं कार्यक्रम के दौरान विधायक भरत सिंह चौधरी ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जनपद ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है और बड़े गर्व की बात है कि सरकार द्वारा स्वयं लाभार्थियों के द्वार पहुंचकर उन्हें नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराए गए हैं। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। हमारे रुद्रप्रयाग जनपद में 85 नर्सिंग अधिकारियों के पद और जिसमें 70 पद खाली थे। आज हमारी सरकार के द्वारा वर्षवार नियुक्ति करने के पश्चात 70 की 70 नर्सों को आज हमने यहाँ पर नियुक्ति पत्र दिए हैं। अब रुद्रप्रयाग जिले में 100% जो है नर्सिंग अधिकारी आ चुके हैं। बैकलॉग भी हमने पूरा कर दिया है और मैं अपने प्रधानमंत्री जी का, अपने मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। पहली बार हमने निर्णय किया है कि हम वर्षवार नौकरियाँ देंगे। जनपद में जाकर के स्वयं उन्होंने अपने हाथों से नियुक्ति पत्र बांटे हैं और वर्षवार जो नियुक्तियाँ हुई हैं आज तक एक भी नियुक्ति होती थी तो उसमें कुछ न कुछ घपले की आशंका हमेशा बनी रहती थी। पहली बार पूरी पारदर्शिता के साथ इतने बड़े पैमाने पर नियुक्ति हुई है।